वर्मा के बेटे हैं कनिष्क, और आपको यह भी बता दें कि ताऊ और पिता के बाद अब बेटा भी आईएएस बना है, आईपीएस। डीसी जैन के बेटे ने भी परचम फहराया है ऑल इंडिया में। बेटे अक्षत जैन की दूसरी रैंक आई है। यूपीएससी का जो रिजल्ट आया, लोक सेवा आयोग का, उसमें राजस्थान के छोरों ने कमाल दिखाया है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया रैंक में अक्षत जैन, जिनके पिता आईपीएस हैं, उन्होंने भी परचम लहराया, तो राजस्थान के कनिष्क कटारिया ऑल इंडिया टॉपर नजर आ रहे हैं। आईएएस सावर मल वर्मा के बेटे हैं कनिष्क, और आईपीएस डीसी जैन के बेटे ने भी दूसरी रैंक ऑल इंडिया लेवल पर हासिल की है। संघ लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में सावरमल वर्मा, जो कि वरिष्ठ आईएएस हैं, उनके बेटे कनिष्क ऑल इंडिया लेवल पर टॉप करते नजर आए, और इसके अलावा आईपीएस डीसी जैन के बेटे भी ऑल इंडिया लेवल पर दूसरी रैंक हासिल करते हुए नजर आए हैं। अक्षत जैन इनका नाम है। तो यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें राजस्थान के कनिष्क कटारिया और अक्षत जैन ने कामयाबी हासिल की है। एक के पिता आईएएस, दूसरे के पिता आईपीएस। और हमारे साथ सहयोगी दीपक गोयल जुड़ गए फोन लाइन पर। दीपक, निश्चित रूप से राजस्थान के लिए यह कामयाबी कही जा सकती है, ऑल इंडिया लेवल पर टॉप वन और टॉप टू। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही जो बेटे हैं वो राजस्थान के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के हैं, यानी कि जो ऑल इंडिया जो टॉप किया है वो आईएएस सावरमल वर्मा के बेटे हैं। इसके साथ ही उनके जो ताऊ है केसी वर्मा, वो जयपुर के अंदर संभागीय आयुक्त के पद पर है, यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो तैयारी थी, जो मेहनत थी, वो आज साफ झलक रही है और परिवार के अंदर खुशी का माहौल है। उनके जब इस तरह रिजल्ट आने की जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं है। उनके जो घर पे है जश्न का माहौल है, उसी तरीके से जो दूसरे नाम के सूची है, जो दूसरा नाम है ऑल इंडिया टू पे, उसके अंदर अक्षत जैन का नाम है, जो कि जो आईपीएस अधिकारी है डीसी जैन, उनके उनके लिए उनका जो बेटा है उन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया है। इतना ही नहीं, जो आरएस अधिकारी हैं जो कि तारा नगर के अंदर, उन्होंने भी एसडीएम बैठे हुए, यानी कि अभी वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर तैनात है, लेकिन उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और अब वो एसडीएम से अब वो कलेक्टर बनने की कतार में आ गए हैं। यानी कि इस तरह के काफी संख्या, काफी ऐसे जो होनहार जो छात्र थे जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उनका जो नाम है इस पेरिस में जब आया कि उनका जब उनका चयन है यूपीएससी के अंदर हो गया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। परिवार के जो अन्य सदस्य है, बधाइयों का नाता का दौर है वो लग रहा है, और उनके परिवार जनों के बिल्कुल। लेकिन दीपक, इसमें एक बात तो है, अब दोनों ही अगर की बात की जाए, चाहे कनिष्क की बात किया जाए या अक्षत की, दोनों ही ऐसे परिवार से जिनके फादर या कनिष्क के परिवार में उनके ताऊ भी ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलता है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र होते हैं वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैसे पढ़ा जा रहा है, किस वे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये जरूरी है। शायद यही गाइडेंस काम आया होगा परिवार का। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए, जिस परिवार के अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर अधिकारी रहता है तो उसको गाइडेंस की बहुत जरूरत महसूस होती है, क्योंकि उनके जो परिवार है या उनके पिता या माता जो भी उस ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, भारतीय जो प्रशासन सेवा के अंदर है, उसको इसकी आवश्यकता है, उसकी कमी, क्योंकि वो उस मामले में ढल जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि राजस्थान के अंदर पहले भी हमने कई, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।